जेई नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सभी को अनुज सर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर रसायन पाठशाला के इस ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के साथ, चाहे यूपी बोर्ड की तैयारी के साथ में और आईएससी बोर्ड की तैयारी के साथ में, अगर वो सभी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जान लें कि केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई एग्जामिनेशन। दोनों एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो केमिस्ट्री के बल पर बहुत सारे बच्चों को जो है जेई और नीट क्वालिफाई करने का मौका मिल जाता है। यानी कि ये इस सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को बॉर्डर लाइन सब्जेक्ट क्यों कहते हैं ये जान लीजिए। क्यों ये सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। यानी दोनों बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वाई केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द जेई एंड नीट एंड वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉर्डर लाइन सब्जेक्ट। केमिस्ट्री को बॉर्डर लाइन सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है और इसके द्वारा नीट और जेई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में क्या मदद मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले जो जेई और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो मेन की प्रिपरेशन करें चाहे वो एडवांस की प्रिपरेशन करें, उनकी खास बात ये होगी कि वो जो मैथ साइड के स्टूडेंट होंगे उनका फिजिक्स पे भी कमांड बढ़िया होता है, मैथमेटिक्स पर भी कमांड बढ़िया होता है। लेकिन अक्सर ये नोट किया गया, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग जेई की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि या तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है या फिर मैथ का पेपर ट्विस्ट कर जाता है। तो उस समय हमारे पास में केवल एक ही सब्जेक्ट बचता है जिसका नाम है केमिस्ट्री। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। यानी कि जो बैलेंसिंग होती है, यानी फिजिक्स के अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए या 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, मैथमेटिक्स के मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन गलत हुए, तो इनको बैलेंस करने के लिए अगर हमारे पास में कोई सब्जेक्ट होता है तो वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टफेस्ट पेपर नहीं बनता है जितना पेपर बनना चाहिए। ये एक्चुअल में क्या होता है कि बाकी दोनों के एवरेज को मेंटेन करने में बहुत सारी मदद कर देता है ये पेपर। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बैलेंस भी बहुत ज्यादा कर जाता है। अगर आपने मान लिया, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आपने 5 क्वेश्चन किए फिजिक्स के 5 क्वेश्चन में और मैथमेटिक्स के 5 या 10 क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए अगर आपको सपोज कर लेते हैं कि 10 घंटे की मेहनत चाहिए, तो फिर केमिस्ट्री के उसके जस्ट डबल क्वेश्चन करने के लिए मात्र 5-6-4 घंटे की जरूरत ही पड़ेगी। तो एवरेज जब निकाल करके लाएंगे ना रिजल्ट का, तो वो रिजल्ट का एवरेज ऑटोमेटिकली इनसे कई गुना आपको रैंकिंग में ज्यादा लेकर के चला जाएगा। लोगों के दिमाग में रहता है कि हम फिजिक्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करें, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करें और वो केमिस्ट्री दे दे दे। देखिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑलरेडी एक टफेस्ट सब्जेक्ट में गिने जाते हैं। जेई का इंजीनियरिंग का सबसे टफ एग्जाम भी माना जाता है और इस इंजीनियरिंग के एग्जाम में क्या होता है, ये बॉर्डर लाइन सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर बॉर्डर लाइन सब्जेक्ट को हमने थोड़ा भी इंप्रूव कर लिया, यानी कि अगर थोड़ा थोड़ा समय, आधा आधा एक घंटे का समय आपने रोज इस सब्जेक्ट को दे दिया, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को बैलेंस कर सकता है, इजी वे में ये आगे बढ़ा सकता है। हमारा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर पीजीटी के क्लासेस लगातार चल ही रहे हैं, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और इससे पहले भी इक्विलिब्रियम क्लासेस के नाम से हम लाइव और एज वेल एज ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, ऑनलाइन भी पढ़ाते थे, तो उसमें भी नंबर ऑफ द सिलेक्शंस जेई और आपके नीट में हुए हैं। और ये सिलेक्शन जो है वो केवल और केवल मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ में इम्प्रूव करवाया कि भाई आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आप जो है वो जेई को निकाल देंगे। तो और ये सफलता हमें मिली, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के को ये चीज़ों से बेनिफिट दिखाई दिया, उन्हें ये लगा कि नहीं सर, जस्ट सर इज सेइंग राइट कि इफ़ वी इम्प्रूव अवर केमिस्ट्री देन वी कैन क्रैक जेई एग्जामिनेशन ईजिली। तो इस चीज़ को आप भी प्रैक्टिकली अपनाइए। अब बात कर लेते हैं नीट एग्जामिनेशन। देखिए, नीट में क्या होता है कि बॉटनी और जूलॉजी, इन दोनों पर लगभग ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं दो सब्जेक्ट पर फोकस करके इसकी मेरिट को उठा करके ले जाते हैं। तो ये तो एक कॉमन हो गया,
यानी कि यहाँ से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम नीट को निकाल देंगे। नीट को निकालने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग जो है अब केमिस्ट्री में एज कंपेयर टू दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा कितना बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप यानी कि इफ़ यू कैन इम्प्रूव केमिस्ट्री मोर देन द एवरेज, अगर एवरेज से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द इंडिया, तो फिर आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो रैंक होगी वो आपकी ऊपर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप जो फाइटिंग डिसाइड कर रहे हैं ना वो केमिस्ट्री से डिसाइड कर रहे हैं, और जो ये डिसीजन आपका होगा यही आपके सिलेक्शन के लिए फायदेमंद बन जाएगा। तो हुआ नहीं बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट, यानी कि यही आपको ऊपर उठाता है, ये एक लेवल को मेंटेन किए हुए है, और इस लेवल से जरा भी आपने ऊपर उठाया तो खट से केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन के बेस पर ले जाएगी। वही जेई के केस में भी हम यही कर रहे हैं कि दोनों बराबर, यानी कि फिजिक्स मैथ में इक्वल फाइटिंग चल रही है, यहाँ जियोलॉजी बॉटनी में इक्वल फाइट चल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि अब हमको जो ऊपर ले जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, वो केमिस्ट्री हो सकता है। तो अगर आप केमिस्ट्री में अपने बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट को इंप्रूव कर लेते हैं, केमिस्ट्री को इंप्रूव कर लेते हैं, फिर जेई नीट फिर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। जबकि लोग इसका अपोजिट करते हैं, केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जेई को निकालने के लिए, उधर जियोलॉजी बॉटनी में नीट को निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है केमिस्ट्री डाउन चली जा रही है। तो जो फाइटिंग है वो फाइटिंग सब्जेक्ट है, जो बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट है वो तो आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, रूट दिया, लेकिन जिसको उठाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसको आप उठा पा रहे हैं, यानी कि उसको लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो इतना उठ रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा है तो वो इतना उठ रहा है, तो फिर आपको 100% केमिस्ट्री पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री पर बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट को अगर मेंटेन करके ले जाओगे ना, उठा करके ले जाओगे, तो फिर 100% आप जेई और नीट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो लोग ट्वेल्थ में अपनी केमिस्ट्री यानी बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट के द्वारा जेई और नीट को निकालना चाहते हैं, तो फिर हमारी यानी कि अनुसर की आपको राय की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, और ये राय आपको सिलेक्शन में मदद करेगी, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बना देगी, केमिस्ट्री चुटकियों में आपको आने लगेगी, केमिस्ट्री को इजी वे में आप याद कर सकते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेते हैं केमिस्ट्री को, एनी हाउ किसी भी तरीके से आप इसे इम्प्रूव कर लेते हैं, चाहे वो ट्रिकी कंसेप्ट से याद करके करिए, चाहे वो आप रिएक्शंस को लिख करके याद करिए, और चाहे वो आप अपने कंसेप्चुअल कुछ मेथड्स ऐसे बना सकते हैं जिसके द्वारा याद कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल केमिस्ट्री को बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट मान करके इसे उठा ले जाइए, और जैसे ये बॉर्डर लाइन से पार होगा 100% आपको जेई और नीट में सिलेक्शन दिला देगा। तो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जेई एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई जेई एंड नीट एग्जामिनेशन, देन यू कैन इम्प्रूव योर केमिस्ट्री एंड गेन मोर मार्क्स एज कंपेयर टू द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द केस ऑफ जेई एग्जामिनेशन, वाइल इन द केस ऑफ द नीट एग्जामिनेशन यू कैन इंक्रीज योर रैंक बाई इम्प्रूविंग द केमिस्ट्री एज कंपेयर टू द बॉटनी एंड जियोलॉजी। सो You can improve your chemistry by tricky concept, यानी कि अगर आपके अंदर tricky concept आते हैं, और नहीं आते तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको tricky concept में आगे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को improve करने के लिए अगर आप अपने आप को perfect borderline subject के द्वारा JEE और NEET को निकालना चाहते हैं, तो फिर chemistry पर focus जरूर करना है, और आने वाले JEE और NEET के examination में आपको 100% success मिलेगी। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक बताइए कि केमिस्ट्री बॉर्डरलाइन सब्जेक्ट है, सर ने बताया है, इसको इम्प्रूव कर लेने तो फिर जेई और नीट दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथमेटिक्स वालों के लिए जेई एग्जामिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, और बायोलॉजी वालों के लिए नीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। तो दोनों के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से उठ करके आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के लिए केमिस्ट्री को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जिससे कि उनकी भी केमिस्ट्री इंप्रूव हो सके, और हमारा नंबर नोट करिए 9473702711, जो रसायन पाठशाला के द्वारा जी और नीट पर भी बच्चों की बहुत सारी मदद कर रहा है। तो अगर अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।